हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में भी एक नया वैकेंसी आया है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वैकेंसी है कि सऊदी अरेबिया कंट्री के लिए निकल के आया है, ड्राइवर्स के लिए, बाइक ड्राइवर भी है, कार ड्राइवर भी है, दोनों का आपको मैं इस ब्लॉग में समझाएगा कैसे अप्लाई करना है, क्या है बोल के। ब्लॉग एंड तक देखे आपको समझ में आ जाएगा ये पर्टिकुलर जॉब कैसे अप्लाई करना है, क्या है बोल के। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मैं चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल करके प्रेस के जो मेरे चैनल से नया वीडियो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता है अभी भी फ्यूचर में आगे चल के। चलो बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर। आप देख सकते हैं ये दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। दिल्ली में अभी तो राइट नाउ इंटरव्यू चल रहा है, अभी मुंबई में ये इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है 9th सितंबर 2023 और 5th सितंबर 2023 में, दोनों डेट्स में इसका इंटरव्यू चलने वाला है। फर्स्ट पोजीशन की बात करेंगे तो कार ड्राइवर है, इसके लिए आपके पास जीसीसी का लाइसेंस रहना बहुत ज़रूरत है। जो भी कंट्री का है, कुवैत होगा, सऊदी होगा, ओमान होगा, बहरीन होगा, कतर होगा, आपके पास कोई भी जीसीसी का लाइसेंस है कार का, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए कार ड्राइवर के लिए। और कार ड्राइवर की सैलरी कितना है क्या है वो बताए तो कार के ड्राइवर की सैलरी आपको 2000 रियाल प्लस आपको कमीशन आएगा, टिप्स आएगा, इंसेंटिव्स आएगा, सब कुछ मिलाएंगे तो आप आराम से आराम 3500-4000 तक कमा सकते हैं कार में। और बाइक डिलीवरी राइडर की बात करूँ तो इंडियन लाइसेंस रिक्वायर्ड है, आपके पास इंडियन लाइसेंस है बाइक का तो भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। इसमें सैलरी रहेगी आपका 1200 रियाल प्लस आपको कमीशन रहेगा, टिप्स रहेगा, ओटी रहेगा, इंसेंटिव्स रहेगा, सब कुछ आप मिला लेंगे तो इसमें आराम से आराम आप 2500 से 3000 तक तकरीबन कमा सकते हैं। डिलीवरी लेन में यही है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप सैलरी अर्निंग कर पाएंगे, जैसे कि 8 आवर्स आप अर्निंग करेंगे तो 8 आवर्स की सैलरी आपको तो कम से कम मिलेगी। आप 10 आवर्स करेंगे, 12 आवर्स करेंगे, 14 आवर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप कितना डिलीवरी देते हैं उसके ऊपर आपको सैलरी डिपेंड करता है, ठीक है। और कैंडिडेट शुड बी हैव एटलीस्ट 2 to 5 years एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड, आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए सेम फील्ड में, कार का है तो कार, बाइक का है तो बाइक, ओके दोस्तों। और कैंडिडेट शुड बी हैव कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, आपकी अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स रहना चाहिए इंग्लिश में, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए, क्योंकि तो आप मैप यूज़ करना पड़ता है, नेविगेशन यूज़ करना पड़ता है, आप एप्लीकेशन डाल के उधर से इधर इधर से उधर जाना पड़ता है, इसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरत है। और अरबी स्पीक विल बी एडेड एडिशनली, आपको अरबी आता है बात करना तो एडिशनली ऐड हो जाएगा आपको सिलेक्शन में, ठीक है। एंड कैंडिडेट शुड बी हैव ऑपरेट स्मार्टफोन एंड गूगल ऐप, आपको पास स्मार्टफोन रहना चाहिए, आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, आपको ऑपरेट करना आना चाहिए गूगल मैप्स एंड नेविगेशन भी। कैंडिडेट शुड बी हैव वेल ग्रूम एंड पर्सनैलिटी यंगर स्मार्टर एंड हार्ड वर्कर, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहना चाहिए, वेल ग्रूम रहना चाहिए, आपको अच्छे खासे दिखना चाहिए, वेल शेप रहना चाहिए, आप जो भी बियर्ड रखेंगे तो उसको शेप में रखना चाहिए, आपको ड्रेसिंग अच्छा रहना चाहिए और फिजिकली फिट रहना चाहिए, स्मार्ट दिखना चाहिए और हार्ड वर्किंग रहना बहुत जरूरत है। आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो आप सैलरी अच्छा खासा उठा सकेंगे। और एज लिमिट अगर 22 से 35, आपकी एज अगर 22 के ऊपर रहना चाहिए, 35 के बिलो रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, ठीक है दोस्तों। अट्रैक्टिव सैलरी, मैंने सैलरी तो मैंने बता दिया है, तो अट्रैक्टिव सैलरी प्लस इंसेंटिव्स प्लस आपको ओटी लगा के ये लोगों ने बताया, मैं आपको ओवरऑल बता दिया है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है ये अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने का तरीका आके जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊँ बराबर से सुनिए, उसके बाद स्कैन कीजिए, इसको मेल कर दीजिए अपडेट, और अपडेट सीवी, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी, फ्रंट एंड बैक, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड आल्सो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस किधर से 6 महीने 1 साल का पैदा कर लेके रख के आराम से जाके काम कर सकते हैं। जीसीसी के लिए आपके पास लाइसेंस रहना बहुत जरूरत है, कार के लिए आपके पास, बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन लाइसेंस तो भी एक्सेप्टेबल है, आप इंडियन लाइसेंस रख के जॉब हासिल कर सकते हैं। और जो मैं डॉक्यूमेंट बताया बराबर से स्कैन करके मेल कीजिए, मेल आईडी आके qsr.soundlines@gmail.com, और कंसल्टेंसी आके जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है वो कंसल्टेंसी आके साउंडलाइन कंसल्टेंसी, बहुत जेन्यून ट्रस्टेबल कंसल्टेंसी, आँख बन करके भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर, नॉट एट ऑल इश्यू। साउंडलाइन बहुत पुरानी कंसल्टेंसी, बहुत सारे लोग इसके मदद से जाके गल्फ को, यूरोप को काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय के सरकार, ठीक है दोस्तों। जॉब के बारे में मोर डिटेल्स लेना तो आपको कंसल्टेंसी का मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन दे देगा और वहाँ बताएगा, और डिस्प्ले भी हो रहा होगा 9667857902 और दूसरा नंबर है 9506051985। ये है दोनों नंबर, आप दोनों नंबर पे बातचीत कर सकते हैं, इनको कांटेक्ट करके और अबाउट इस जॉब के बारे में मोर डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हर ब्लॉग में कहता रहता हूँ किसी भी एजेंट को किसी भी कंसल्टेंसी सिंगल रुपये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनती है, बिफोर इंटरव्यू किसके ऊपर भी भरोसा मत कीजिए,
जो भरोसेमंद एजेंट है उसके तरफ जाइए, एक दो रुपये बढ़ को गए तो गए, भरोसेमंद एजेंट के थ्रू आप काम कराएंगे तो आपको पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो मुश्किल है उधर जाने को, तो आराम से काम कर सकते। जो फ्रॉड एजेंट के पीछे जाएंगे कम खर्चे में ये वो बोल के, वो कम खर्चा तो लेता है ज़रूर, वो काम नहीं करता। बी वार्न ऑफ फ्रॉड एजेंट, फ्रॉड करने से कभी भी जेन्यून एजेंट से जाइए, जेन्यून एजेंट को चूज़ कीजिए, जेन्यून से आप जाइए, जेन्यून से रहिए, जेन्यून से खाइए, जेन्यून से पैदा कीजिए, घर पे भेजिए, घर वालों को खा पी के खुश रहते। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। जो भी क्वेश्चन थे, जो भी डाउट थे, बहुत जल्दी रिप्लाई कोशिश करेगा। मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक जो पुराने वाला था वो किसी ने हैक किया है, किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैंने क्लोज कर दिया। मेरा नया फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा होगा, ज़फरू ब्लॉग्स, तो उधर पे फॉलो कीजिए, मोर अपडेट्स देता रहता हूँ। जॉब्स क्रिएटेड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरे को फॉलो कीजिए। सब लोग मेरे को फॉलो करते थे फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो पुराना आईडी था वो आईडी तो हो चुका है, नए आईडी पे वही आपका प्यार मोहब्बत बनाए रखिए मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी से। आज के ब्लॉग में इतना ही, ख्याल रखें अपना भी इस चैनल का।